हेलो नमस्ते सलाम से श्री काल के सकाई केम छो दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग योर वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर वुमनिया। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रिक्सी के फिट एंड स्लिम मील रिप्लेसमेंट शेक के बारे में। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है ये एक वेट लॉस के लिए शेक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में ये हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए अच्छा है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है जो आपके वेट लॉस को मदद करेंगे, और सच में इससे वेट लॉस होता है कि नहीं, आपको क्या न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसको लेना कैसा है, तो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे क्या ये एक प्रोटीन शेक है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रोटीन जरूर है लेकिन एक प्रोटीन शेक नहीं है, ये एक मील रिप्लेसमेंट शेक है। दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रोटीन शेक आप एक एडेड सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, उसके साथ आप खाना भी खाते हैं, लेकिन जब आप एक मील रिप्लेसमेंट शेक लेते हैं तो आप एक आपका जो मील है वो इससे शेक से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे कि आप डिनर नहीं खाएंगे और सिर्फ ये शेक पी के सो जाएंगे, तो अब मील रिप्लेसमेंट शेक ये होता है। अब ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है फ्रेंड्स पिक्सी का, ये कहता है कि ये एक प्लांट प्रोटीन शेक है, तो इसमें कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो वीगन लोगों के लिए ठीक है। उसके अलावा इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है, 5.2 ग्राम फाइबर है जो, और फ्रेंड्स ये जो डिब्बा है ये 500 ग्राम का है, इसमें आपको 14 सर्विंग्स मिल जाएंगी, और ये 1250 रुपए का रिटेल करता है। कुछ आपको डिस्काउंट इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे तो वो आप देख लीजिएगा। मैंने इसको डिस्काउंट पे लिया था तो मुझे ये करीबन 800 रुपए का पड़ा था। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि क्या सच में इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है भी कि नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टार्ट करें इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ, तो जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है जो कि 53% है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो कि है पी प्रोटीन आइसोलेट और राइस प्रोटीन आइसोलेट। उसके अलावा फिर इसमें इन्यूलिन है, इन्यूलिन एक किस्म का फाइबर होता है, वो 11% है जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरी पाउडर है, इसमें कोकोनट पाउडर है, इसमें बीटरूट पाउडर है, पम्पकिन पाउडर है, ओट फाइबर है, सीलियम हस्क है जो कि हिसबगोल होता है, जो अगेन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा इसमें कैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट है। उसके अलावा इसमें फ्लैक्सीड पाउडर, किन्वा सीड पाउडर, रॉक सॉल्ट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जैंथल गम है और कुछ नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं इसमें। और जो स्वीटनर है इसमें वो है सुक्रोज, तो इसमें चीनी नहीं है और सुक्रोज है। तो अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो बहुत ही क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट लगी मुझे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीड्स हैं और ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो अब फ्रेंड्स इसको लेना कैसे है, तो ये कहता है कि आपको अपना कोई भी एक मील इससे रिप्लेस करना है। ये कहता है अगर आप इसको डिनर में आपका डिनर इससे रिप्लेस करो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे 3 मील खाते हैं दिन में, तो 2 मील आप नॉर्मल खाएंगे जैसे कि जो आपका ब्रेकफास्ट है और जो आपका लंच है होममेड फूड खाएंगे, और उसके बाद जो डिनर है वो आप इससे रिप्लेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका एक स्कूप लेना है, मैं आपको इसका स्कूप बता देती हूँ। आपको ये एक स्कूप पाउडर लेना है और इसको या तो आप पानी में या तो आप कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क में, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया, उसमें डाल के अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए या मिक्सी में घुमा दीजिए और फिर इसको कंज्यूम करिए। और इसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे, तो मतलब ये नहीं कि ये भी पी लिया और इसके बाद कुछ खा भी लिया, तो इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब अगर आप एक स्कूप लेंगे तो आपको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, तो फ्रेंड्स अगर आप पानी से लेते हैं एक स्कूप तो आपको 142 कैलोरीज मिलेगी इसमें, इसमें 15.1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 15.9 ग्राम्स मिलेंगे आपको, इसमें शुगर 5.2 ग्राम्स है और एडिड शुगर बिल्कुल नहीं है, सुक्रोज डाला है इसमें। इसका जो टोटल फैट कंटेंट है वो 27 ग्राम्स है और इसके अंदर जो डाइट्री फाइबर है वो 5.2 ग्राम से, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो आपका डाइट है अगर वो फाइबर रिच होता है फ्रेंड्स, तो आपका वेट अपने आप लूज होता है। और उसके अलावा इसमें सोडियम बताया है 2.6 ग्राम्स। इसके फ्रेंड्स जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना यहाँ मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी है वो ये है कि ये आपको, एक तो अगर आप इसको पानी के साथ पियो उसका भी कैलोरीज बता रहा है, उसके अलावा अगर आप इसको सोया मिल्क के साथ पीते हो
तो उसमें भी आपको क्या कैलोरीज और क्या न्यूट्रिशन मिल जाएगा वो भी बता रहा है, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब फ्रेंड्स ये काम कैसे करता है, तो अगर आप एक फ्रेंड्स मील लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज 400 कैलोरीज का होता है, जो नॉर्मल मील रोटी सब्जी लेंगे आप तो वो उतना हो जाता है, लेकिन जब आप इसको रिप्लेस करते हैं उससे तो आप उतने कैलोरीज कट डाउन कर देते हैं। ऊपर से आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं और फाइबर ज्यादा खा रहे हैं तो डाइजेशन में मदद करेगा, फाइबर आपको लॉन्ग टाइम तक फुल रखने में मदद करेगा और वेट लॉस होता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है जिससे होता है वेट लॉस। तो फ्रेंड्स अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। बेरी, अगर आपने ब्लूबेरी मिल्कशेक पिया होगा, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिया होगा तो ऑन दोज लाइंस है। तो मुझे भी ब्रेक चाहिए था फ्रॉम द चॉकलेट मिल्कशेक, तो उसके हिसाब से ये अच्छा है। एक जो मेरी शिकायत इससे है वो है कि मुझे इसको पीने के बाद सेशिएटेड नहीं लगता, मैं सोचती हूँ इसको अपने डिनर के साथ रिप्लेस करने के लिए, और मैं जब ये पी लेती हूँ उसके बाद ना मुझे और भूख लगती ही रहती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर ये पी के खाना भी खाएं तो आई डोंट थिंक सो ये वेट लॉस करने में मदद करेगा। जब आप इसको कम्प्लीटली अपने मील के साथ रिप्लेस करेंगे तभी ही ये सस्टेनेबल और बहुत अच्छा वेट लॉस देगा आपको। मैं इसको 8 दिन से पी रही हूँ और मुझे एज सच कुछ भी वेट लॉस नहीं दिखा मेरे पे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं इसके साथ और कुछ भी खा ले रही हूँ, विच इज नॉट हाउ यू शुड टेक इट। तो इफ यू कैन रिप्लेस अ कम्प्लीट मील विद इट तो आई एम वेरी श्योर कि आपका वेट लॉस जरूर होगा। शर्त है आप जरा सा एक्टिव रहें, तो ये भी कहते हैं कि आप 20 मिनट का वॉक कर ले या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज कर ले, और जो दो मील आप खा रहे हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच उसमें बहुत ज्यादा जंक बाहर का खाना ना खाएं, होम कुक्ड मील खाएं जो कि न्यूट्रिशियस हो और हेल्दी हो। अगर आप ये शेक उस तरीके के डाइट और एक्सरसाइज के साथ अपने रेजिमेंट में इंक्लूड करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लूज वेट। एंड आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई लव द फैक्ट दैट दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, और उन्होंने हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है ऑन देयर बॉटल। सो फ्रेंड्स दिस वॉज इट फॉर टुडे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस कमेंट क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसके आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।